परळीत मतदानाचा उत्साह सकाळपासून दिसून येतोय सकाळीच मतदान करण्यासाठी मतदार मोठ्या संख्येने बाहेर पडलेत मतदारांशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी अमित जोशी यांनी मी आता बीड लोकसभा मतदारसंघातील परळी भागामध्ये आहे आणि या सर्व लोकांनी वोटिंग या ठिकाणी केलेलं आहे आपण त्यांच्या प्रतिक्रिया थोडक्यात जाणून घेऊया काय सांगाल काय आवाहन कराल तुम्ही एवढ्या सकाळी येऊन या ठिकाणी वोटिंग केलंय नागरिकांना तुम्ही काय आवाहन कराल सर्व नागरिकांवान करते घर बाहर लौकर पढ़ाओ और अपना मतदान अच्छा हक वाजो सब अपना हक है ये वोट करना सबने निकलना चाहिए हर हर एक ने वोट करना चाहिए अपना ये हक है और जरूर जरूर वोट करना चाहिए मैं आपसे सब लोगों से जो है तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर से निकलो और खूब वोटिंग करो बस थैंक यू थोड़ी सी पानी टंकाई है दुष्का है तैयार कितनी परिणाम हो तो वेला इस पर कोई परिणाम नहीं होता मैं बरकत नगर में मैं हैदराबाद से आया हूँ मेरे फैमिली के साथ में वोटिंग के वास्ते खास और विरोध पक्ष नेता के वास्ते खास आया हूँ मैं और उनका काम बहुत अच्छा है मैं उनको पसंद करता हूँ और पूरे लोगों ने निकल के वोटिंग करना अच्छा। हर आदमी ने घर से बाहर निकल के वोटिंग करना अच्छा। इतने, इतने दूर से क्यों आए मतलब मेरे को प्यार है मेरे को प्यार है उस पार्टी से मेरा हक भी है और शुरू से मैं का काम करता हूँ करते रहूंगा बस मेरे को उनका काम पसंद है और मेरा हक है वो वो फिकर चे तुम्ही काय सांगाल वोटिंग बद्दल काय आवाहन करा लोकांना वोटिंग बद्दल मी तुमच्या माध्यमातून असं आवाहन करतो की लोकांनी जास्तीत जास्त मतदानाचा टक्का वाढवून वाढवा हे तुमच्या माध्यमातून मी लोकांना आवाहन करतो काही महिला वर्ग सुद्धा आपल्या बरोबर आहे आपने वोट किया है, आप लोगों को क्या कहेंगे वोटिंग के बारे में आपकी एक वोटिंग जिता सकती है अच्छा है अच्छा वोटिंग करणं जरुरी आहे बहुत आपका वोट किसी को जी ये कर सकता है आपने आ, आ, पहली बार वोटिंग किया आपने हाँ, हाँ, वोटिंग किया है।, है। पर... फर्स्ट टाइम वोटर से। हाँ। हाँ। तो कैसे लग रहा है सबसे पहली बात बहुत अच्छा लग रहा है फोटो जर्नलिस्ट मंगेश विशेष अमित जोशी जी चौबीस तास परड़ी